हुआ है और खनन घोटाला के आधार पर जो भी उसके आसपास अगर खनन घोटाला नहीं होता तो फैक्ट्रियों का निर्माण के लिए या भारत सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए, और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय वित्त मंत्री जी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि भारत सरकार ने पूरे वर्ल्ड के जो जिनेवा में सम्मेलन हुआ 152 देशों में सतत विकास योजना के आधार पर निष्ठाता महोदय सबसे अधिक, अभी तो असली बिंदु रह गया, तीन बिंदु और मैं उसको कह लेने दीजिए, सतत विकास योजना के आधार पर अधिष्ठाता महोदय धज्जी उड़ाई गई खनन माफियाओं के आधार पर। अगर देखा जाए कैंपा बिल जहां पर जितने भी जंगल काटे गए उस स्थान पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जिस पर सबसे पहले पूरे विश्व में हमारी सरकार ने निर्णय लेकर के सतत विकास योजना में 17 बिंदु है जिसको हमारी सरकार ने सबसे पहले मान्यता दिया, और वहां पेड़ लगाने की बात थी और पेड़ लगवाया गया। राजनीति देख लीजिए अधिष्ठाता महोदय, पेड़ लगवाया गया 36,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ रुपया अकेले उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता है, और वहां के युवा मुख्यमंत्री जी हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवा लेते हैं, 500 करोड़ रुपया भारत सरकार का दिया हुआ। हमको खुशी है करवा में, लेकिन आज प्रदेश और देश को आधार पर योजनाओं का वर्गीकरण न किया जाए। 53 योजनाएं आज भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 53 लाख अधिष्ठाता महोदय 53,11,938 ऐसे गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है, जो परिवार कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि उनके घर में एलपीजी का चूल्हा और गैस मिल पाएगा, हमारी सरकार ने दिया है। हम लोगों ने कभी आधार जाति धर्म और मजहब को नहीं बनाया, हम लोगों ने आधार हमेशा हिंदुस्तानी को बनाया कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति अगर गरीब है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। हमने वोट की राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने देश की राजनीति किया। अभी हमारे एक वक्ता महोदय आदरणी यहाँ बोल रहे थे और उधर से आवाज आई कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आम बजट 2017-18 पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम, इस बार का बजट सिर्फ इस एतबार से अनोखा बजट है कि इस बार जनरल बजट में रेल बजट को भी जम कर दिया गया है बीजेपी मेंबर्स। इसके अलावा इस बजट में आम लोगों को राहत पहुंचाने के एतबार से कुछ भी अनोखा नहीं है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा ख्याल यह है कि रेलवे को आम बजट का हिस्सा बनाकर जहां उसकी एक इलाहदा और जुदागाना हैसियत को खत्म करने की कोशिश की गई है, वहीं बुलेट ट्रेन और दिगर मंसूबों के हवाले से जवाबदेही से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। रेल के मामलात को सिर्फ 6 मिनट में पेश कर दिया गया और मुझे अफसोस है कि बिहार को पूरी तरह इसमें नजरअंदाज कर दिया गया है। 5 रियासतों के इलेक्शन को सामने रखते हुए जिस जल्दबाजी से काम लिया गया है उसे मुल्क और मुल्क के बाशिंदे खूब समझते हैं। मोहतरम, हर बार की तरह इस बार भी मुल्क के आवाम बड़ी उम्मीद से इस बजट की तरफ देख रहे थे कि नोटबंदी की मार से जो जख्म उनके दिल पर लगे हैं, शायद जेटली साहब इस बजट में कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जो उनके लिए मरहम का काम कर सके। मगर अफसोस कि लोगों को मायूसी और खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं मिला। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना पर हम इसे एक मुतवाजिन मुस्बत बजट कह सके। इसमें दूर अंदेशी का फुकदान है। गरीबों, किसानों और बेरोजगारों की हालत जार में तब्दीली लाने के लिए कोई वाज़ह नुक्ते नजर नहीं अपनाया गया है। बजट में एदाद शुमार की भरमार है और अल्फाज की बाजीगरी खूब की गई है जिनका हकीकत के दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। मुस्तकबल के लिए कोई ठोस हिकमत अमली इस बजट में पेश नहीं की गई है और जगह जगह डिजिटल मईशत की बात की गई है। हमारे मोहतरम वजीर खजाना ने बजट की शुरुआत बसंत पंचमी की मुबारकबाद मुल्क के आवाम को देते हुए की है और बसंत को उम्मीदों की अलामत कहा है। मगर कहा जा सकता है कि इस बजट में बसंत तो है मगर बसंत की बहार नहीं है। उम्मीद की बात तो है मगर जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है, उनकी आरज़ूओं उमंगों को नजरअंदाज किया गया है। तू है सूरज तुझे क्या मालूम रात का दुख, तू है सूरज तुझे क्या मालूम रात का दुख, तू किसी रोज मेरे आंगन में उतर शाम के बाद।
मोहतरम वजीर मोहतरम सदर साहब, वजीर खजाना की तरफ से पेश किया जाने वाला बजट ऐसा है जिसको यही मालूम नहीं कि उसकी मंजिल कौन सी है। बजट की जबान इस बात की दलील है कि मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। वजीर खजाना यूपीए हुकूमत की स्कीमों को दोहराते रहे, उन्होंने एक भी ऐसा ऐलान नहीं किया जिससे महसूस हो सके कि हुकूमत मुल्क के महरूम दलित पसमानदा और गरीब तबका की कोई फिक्र रखती है। खवातीन की तरक्की के लिए बजट में बहुत से ऐलान तो किए गए लेकिन उनके तहफ्फुज़ का कोई इंतजाम नहीं है। अकलियती उमूर की वजारत के लिए मुख्तस रकम में इस बजट में इजाफा जरूर किया गया है लेकिन सिर्फ ऐलान कर देने से अकलियतों के मसाइल का हल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको ईमानदारी और दयानतदारी से कैसे रूबा अमल लाया जाए ये बहुत जरूरी है। मौसी निगरानी के बगैर ऐलान कभी भी अकलियतों की जबूहाली को दूर नहीं कर सकेंगे और ये तमाम ऐलान महज ऐलान ही रह जाएंगे। मुस्लिम अकलियत की तरक्की और खुशहाली का एक अहम तरीका औकाफ की जायदादों का सही इंतजाम और इंसराम हो सकता है, उसको मजबूती देने की जरूरत है। वक्त की जायदादों की हिफाजत का अहम मसला है, जितनी भी वक्त की जायदादें हैं अगर उनको गासिबीन और काबिजीन से आजाद करके उन्हें तरक्की दी जाए और उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो उसकी आमदनी से मुस्लिम अकलियत के तालीमी व माशी मसाइल बहुत हद तक हल हो सकते हैं। हुकूमत को यह बात पेश नजर रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम अकलियत की है, उन्हें नजरअंदाज करके मुल्क खुशहाल नहीं रह सकता। मैं आज जद पे हूं, तुम खुशगुमान मत होना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मोहतरम, मेरे हलके इंतखाब किशनगंज में कायम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर फंड की जबरदस्त कमी की वजह से बंद होने के कगार पर है, जिसकी वजह से जेर तालीम तलबा व तालिबात का तालीमी मुस्तकबल मुतासिर हो रहा है। मैं आपके तवस्सुस से वजीर खजाना से गुजारिश करता हूं कि इस सेंटर की तालीमी व तामीरी जरूरियात को सामने रखते हुए इस बजट में इसके लिए रकम मखसूस की जाए और सबका मंजूरशुदा रकम जो यूपीए सरकार के जमाने में की गई थी उस रकम को भी रिलीज किया जाए। गुज़श्ता साल बिहार को एम्स का दूसरा सेंटर देने का ऐलान किया गया था, मैंने उसका खैर मकदम किया था। गुज़श्ता बजट सेशन में तकरीर करते हुए मैंने वजीर खजाना से गुजारिश की थी कि यह दूसरा सेंटर मेरे हल्के इंतखाब किशनगंज को दिया जाए। फिर वजारत सेहत हुकूमत बिहार के मरासला के मुताबिक किशनगंज जिला इंतजामिया की तरफ से इस सेंटर के लिए 200 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भी कर दिया गया है। मैं आपके तवस्सुस से वजीर खजाना से मुतालबा करता हूं कि एम्स का यह दूसरा सेंटर किशनगंज में कायम किया जाए। अखीर में आपके तवस्सुस से हुकूमत को एक पैगाम देकर रुख्सत हो रहा हूं कि मिला क्या है तुझे बारूद की फसलें उगाकर कोई बस्ती मोहब्बत की बसा देते तो अच्छा था। शुक्रिया। थैंक यू। श्री प्रेम सिंह। चेयरमैन साहब, माननीय वित्त मंत्री, पांच मिनट साथ चेयरमैन। हाँ, श्रोमणी अकाली दल एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अभी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ इलेक्शन के बाद जी। चेयरमैन साहब, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया इसके तीन सुधार का बजट बोला, मैं समझता हूँ तीन बदलाव हैं, समय का बदलाव, रेल बजट, आम बजट का इकट्ठा करना, योजना खर्चे और गैर योजना को इकट्ठे करना। मैं समझता हूँ कि ये बदलाव समाज में कोई सुधारात्मक स्थिति पैदा नहीं कर सकते। आज देश में बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जो राष्ट्र को घुण की तरह नुकसान कर रहा है, इसको खत्म करने के लिए सरकार ने नोटबंदी जो कहा जा रहा है, वैसे मैं नोटबदली कहूँगा, नोटबदली से काला धन बाहर लाकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की है। मैं समझता हूँ कि काला धन बाहर आ जाने से भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार जो पेड़ है, जहरीला पेड़, जब तक ये खत्म नहीं होगा उतनी देर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए जो कारण है वो एक तो सरकारी कर्मचारी समय पर नागरिकों को सेवा नहीं दे पाते, दूसरा सरकार असहनीयत दर करें कर की दरें हैं, जो वो दो कारण हैं जो हमारे देश में भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को राइट टू सर्व सेक्टर, जैसे हमारी पंजाब सरकार ने राइट टू सर्व सेक्टर एक्ट लेकर आए, उससे बहुत ज़्यादा लगाम जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पर सही समय से काम होने लगे,
ऐसे ही जो कर प्रणाली है उसको एक सरल बनाना चाहिए। आज कर प्रणाली हमारी बहुत जटिल है, जो कर पे करते हैं उन पे तो ज़्यादा कर ठोसा जाता है। जैसे अब इसी बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 50 लाख रुपए की आमदन वालों का के ऊपर कर बढ़ा दिया। जो कारपोरेट सेक्टर हैं उनका कर कम कर रहे हैं, इसलिए जो लोग कर दे रहे हैं उनको और बोझ डालना मैं समझता हूँ देश के हित में नहीं है, भ्रष्टाचार को फैलाता है। जैसे हम देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे गुरुद्वारे में मंदिर में मस्जिद में किसी के लिए पैसा इकट्ठा करना हो, जितना सरकार के पास पैसा है उससे कहीं कहीं गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो लोग अपनी मर्जी से पैसा देते हैं। इसलिए कर प्रणाली को सरल करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 3 एजेंडा रखे हैं इसमें प्रशासनिक सुधार, नवयुक्त और पिछले वर्ग को कुशल बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त देश को बढ़ाना, मैं समझता हूँ देश की तरक्की के लिए देश की बेहतरी के लिए सरकार की जो नीति है ये बहुत अच्छे टारगेट रखे हैं। और इन टारगेट को पूरा करने के लिए जो इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स किए हैं, 10 प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स किए हैं, उनमें से मैं केवल कृषि क्षेत्र जो इन्होंने चुना है मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि क्षेत्र को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। ये आज जरूरत है देश की। ये इधर से बहुत लोग कहते हैं किसान आत्महत्या करता है और दोष आज की सरकार को देने लगते हैं। मैं समझता हूँ पिछले 60 वर्षों में जो किसानों के खेती में जो नीति आई उसने किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। देश में जब 52% GDP का हिस्सा था जब देश आज़ाद हुआ, आज केवल 12-13% ही रह गया। ये तो इन लोगों को सोचना जिन्होंने ज़्यादातर राज किया कि किसानी जो उत्तम खेती मध्यम व्यापार निषिद्ध चाकरी का स्लोगन लगता था, आज देश में निषिद्ध खेती क्यों बनकर रह गई। और इसको मैं समझता हूँ कि आज की सरकार ने बहुत बारीकी से और गंभीरता से लिया है, बीमारी को तो समझ लिया मगर बीमारी का जो इलाज है उसके लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आत्महत्या का कारण कर्जा और बढ़ाने की राशि बढ़ा दी 9 लाख से 10 लाख। मैं समझता हूँ कर्जा प्राप्त करने की समस्या नहीं है आत्महत्या, कर्जा वापस करने की क्षमता किसान में पैदा करने की जरूरत है। और कर्जा वापस करने के लिए क्षमता पैदा करी जाए किसान में उसके लिए को उपाय करने होंगे। और मैं समझता हूँ कि उत्पादकता बढ़ानी होगी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ती जा रही है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमारे जो बी हैं कीटनाशक दवाइयाँ हैं मशीनरी है ये आत्मनिर्भर होनी चाहिए। हम विदेशी मशीनरी पे टेक रखते हैं, विदेशी बी पे टेक रखते हैं, विदेशी कीटनाशक दवाइयाँ लेते हैं। आज हमारे देश में किसानों के नाम पे खेती के नाम पे अरबों का व्यापार कर लिया इन कंपनियों ने, किसान मारा गया किसान के सिर पे वो अरबपति बन गए। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान को कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करके दी जाए जिससे किसान आत्मनिर्भर हो जाए अपनी मशीनरी में भी बी में भी और कीटनाशक दवाइयों में भी। जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, मैंने आप खुद माननीय वित्त मंत्री जी से कई बार कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंगल में एक कारखाना है उसकी कैपेसिटी दुगनी हो सकती है, बिल्डिंग वहाँ तैयार है, गैस पाइप तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, केवल गारंटी देने की जरूरत है। 7 लाख टन यूरिया और बन सकता है, जितनी हमने गारंटी देनी है उसमें तो एक वर्ष का पैसा बच सकता है जो हम विदेशों से यूरिया खरीदते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम इसको उत्साहित नहीं करेंगे हम कहने से कुछ नहीं बन पाएगा। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कम करने के लिए हमें कम से कम जो सीधी सब्सिडी है किसानों को वो देनी चाहिए, बीज सस्ते होने चाहिए, मशीनरी सस्ती होनी चाहिए, ये फर्टिलाइजर सस्ता होना चाहिए ताकि जब हम और इसमें मैं कहना चाहता हूँ हम दुगनी आमदन करने की बात किसानों की कही गई है और मैं समझता हूँ उसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं मगर ये पूरा टारगेट तो होगा अगर हम उसको सीरियसली लेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जी ने रिपोर्ट दी है कि जितनी लागत है उससे 50% अधिक ऐड करके उसको MSP में गिना जाए।
मगर उसके लिए कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। तो मैं समझता हूँ किसानों में इसकी बहुत निराशा है। मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी जारी की जाए, और सिंचाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला भी प्रेसिडेंट एड्रेस पे कि हम सिंचाई को प्रायोरिटी देंगे। 4000 करोड़ रुपया जो 40000 करोड़ रुपया रखा इसके लिए, मगर मैं कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं 50 लाख तालाब हमने पिछले साल बनाए, 50 लाख अगले वर्ष बनाएंगे। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया भी तालाब कहाँ बने हैं। तो तालाब जो है बहुत अच्छी बात है, मगर उस पर निचले लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती नहीं लोन, हमारे जैसे लोग जो नीचे काम करने वाले हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। कारपोरेट सेक्टर के लोगों से मिलने से ये मुश्किलें मैं समझ नहीं आती। तो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चेयरमैन साहब आपके थ्रू सरकार को, बॉर्डर एरिया स्टेट्स हैं, एक मिनट जी, बॉर्डर एरिया स्टेट्स हैं पंजाब जैसी स्टेट्स, इनकी खेती बहुत नुकसान हो जाती है बॉर्डर एरिया पे, वहां स्पेशल पैकेज देना चाहिए। वहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जाता, इंडस्ट्री नहीं लगती, वहां अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो कुछ ना कुछ तो बॉर्डर स्टेट्स को इंसेंटिव देना चाहिए, और ऐसे ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जैसे श्री आनंदपुर साहब है, देश में सबसे अच्छा प्लेस है टूरिस्ट हब के लिए, जो रिलीजियस हब है, मगर वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने कई बार कहा भी है, मैं निवेदन करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि वहां टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या चेयरमैन साहब आप भी समझते होंगे, आज देश में किसानों को जंगली जानवर और आवारा पशु सता रहे हैं, उसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं रखा, केवल 10 करोड़ रुपया रखा। मैं और डिप्टी सीएम पंजाब हम गए माननीय फॉरेस्ट मंत्री जी के पास, सारे देश के लिए 10 करोड़ रुपया रखा है, 10 करोड़ रुपए से क्या होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 10000 करोड़ रुपया रखना चाहिए। आज देश का किसान जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से सताया हुआ है। सो ऐसे हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो है ये कमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए, इसमें सरकार को जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। सो इन बातों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का जो बजट है उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, मगर ये कुछ बातें जो है मैं समझता हूँ मेरे सुझाव जो है उनको मानेंगे। थैंक यू देवेगौड़ा जी। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द बजट प्रेजेंटेड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सर, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज साइलेंस व्हाइल ही हैज प्रेजेंटेड द बजट इन 2015-16। Sir, he made a promise that the farmers will be taken care of, because I don't want to read all the promises he has made in the 2015 budget. In 2016 17 budget, the Honorable Finance Minister also repeated the same promises. In addition to that, he has also made it very clear about the implementation of 89 irrigation projects under AABP, which have been lingering, will be fast-tracked. This will be help to irrigate 80.6 lakh hectares. These projects require 17,000 crores next year and 86,500 crores in the next 5 years. We'll ensure that 23 of these projects are completed before March 31, 2017. Sir, and also in the first 2015 budget here, yes, promise to take steps to demolish the black money. We have no objection. What the steps you have taken, while I have written the letter to you on November 17th or 18th, I have made it very clear
to destroy this black money, which has got the adverse effect on the economic system itself. I have personally welcomed it. Whatever may be the views expressed by our friends on this side, but at the same time, I cautioned you to take certain steps. How it is going to adversely affect the farmers and construction laborers and contract laborers, all these things I have narrated in my letter itself. How the district bank and mill cooperative societies, all these areas, how things are going to be affected, I have written categorically for your goods, for your kind consideration. Sir, you went on taking certain modification after modifications. How many times you have taken the steps to modify the earlier order of 8th November, where the Honorable Prime Minister has declared the demonetization of 500 rupees and 2000 rupees notes? I have no quarrel, but at the same time, how things have been even now lingering, and how further you are to take further steps to improve the situation, to eradicate the entire black money and go for a cashless economy or the digital economy. Some of the experts say it takes 6 months, 5 years. I do not want to go on narrate the experts what they have said. Sir, the problem today, you have made certain promises in 2017-18 budget. You have increased, fixed the record level of 10 lakh crores for agricultural credit. I don't want to make any critical analysis. The provision you have made, 2017 revised estimate, 47 crores 499,000. Sir, 47,499. What is the budget estimate? 4,800. Sir, I beg to differ. What you said, 1,000 crores. Sorry, sir. I don't want to make a comment on this. Nash, it is for you to say what the real provision you have made. National Drinking Water Scheme, Water Mission, 6,000 in the revised estimate, same 6,050 you have provided. Sir, National Social Assistance Program, 9,500, revised estimate, same 9,500. What the current year revised estimate? Where is the funds you have provided more than what it was in the previous year? National Education Mission, including Sarva Shiksha Abhiyan, 29,556. A very small component. Urban Regeneration Mission, Amrut and Smart Cities Mission, 5,559 and 9,000. So what you have said, more provision is going to, has been made in this 2017-18 budget. Sir, about the smart cities, I don't find any place here in this budget. I don't know why it has not gone to the notice of the Honorable Finance Minister while the budget estimate was proposed. Even the some of the villages which we have asked to take, I don't want to comment. It has been advised by the government, the villages which you want to improve,
whatever the name you have given, I don't want to comment on that. Take care of the amount by your own MP lads. Sir, I am sorry. All those 27 or 28 schemes, what has been announced by the Union Government, those schemes also will not sufficient to provide money for the improvements those villages. Every year you are asked to take us one village, and unfortunately we are unable to do any progress. The people of the panchayat will always comment on us. Sir, the issue is, I am not going to narrate what about the funds you have provided in the budget about the employment generation. I don't know, in last 2.5 years you are in office, how much employment you have provided. And actually, the Mudra, the Yojana, you have provided several schemes, but unfortunately, the job created is not commensurate with the actual employment that is what is today. The skilled laborers or the semi-skilled laborers or the graduates who have passed the IT, information technology, after we have been encouraging. So many graduates, IT graduates are coming from the colleges. Several graduates are coming to the doors of the MPs, and they are making their request to get some jobs. Sir, some of those graduates, even today working for 3,000, 4,000 rupees on contract labors, I am not going to make any exaggeration. I feel ashamed myself. See, we have given so much of encouragement in 1996, when as the Chief Minister, the IT park which has been inaugurated by me, and even the foundation stone I laid, Tata Singapore Technological Park in 1955. Yes, exactly 1955. Singapore Prime Minister came, Ratan Tata was there. Sir, the entire opposition at that time, my friend Mr. Muniyappa ji in the chair, they blocked the house when I bring an amendment to the Land Reforms Act, where the land reforms was so tight. Devraj Arsu has brought a comprehensive land reforms bill and passed in the house. I was the leader of the opposition, and the land was not able to touch by any industrialist. Any person who has got more than 12,000 rupees income, and such was the hard decision taken by the late Devraj Arsu, I wanted to take in, see, amendment to that particular provision. And because any investors who wants to come either from outside or the domestic investors for any infrastructural projects, nobody was prepared to come because of this hard decision taken by late Devraj Arsu on Land Reforms Act. At that time, I took a bold decision. Sir, what is going on today? I don't want to speak on that, the Benami transaction or the money that has been acquired by so-called the real estate mafia. I don't want to speak on all these things. Mr. Anand Kumar is there. What is going on in Karnataka, you know all these things. Yes. I do not want to narrate. It is up to you, the Benami Transaction Act, whatever you want to say, the money laundering or the curbing the black money. Any tough action, we are not coming in the way. We want to cleanse the entire system. I am the person who is going to lend my support. There is nothing. This is not the question of any. It is not the question of thumping the bin. Sir, it is an issue which is lingering from today. It is an issue which is pending from last several years. Sir, when Dr. Manmohan Singh was the finance minister, we have pledged the gold. In 1991, I was sitting on the other side. The country's economic situation is so bad,
we are almost in a dead trap. Dr. Manmohan Singh in 1991, please, you don't know, please. Please, sir, please, please. Let Chandrasekhar, please. Let the Honorable, please. Chandrasekhar, Yashwant Sinha was the Finance Minister. 30,000 tons of gold was pledged. When Manmohan Singh came, he pledged 120 tons to see that the country should not go in a dead trap. I was sitting here, I have argued this case. Let the matter be corrected by the Honorable Finance Minister if I have gone wrong. I am not going to make any comments. Today, we must compliment, please, Dr. then Prime Minister, Ms. Narasimha Rao, who was the pioneer to save the situation. I do not want to make any unnecessary remarks against anybody. The facts are facts. Then subsequently, Vajpayee was sitting here as an opposition leader. He also implemented for a gold bond scheme. So I still remember all these things, sir. I am not going to comment on Moili Saab. Let the Honorable Finance Minister rectify. If I made any mistake, I will accept it. Only thing is, how the situation was so bad, because yesterday I was hearing your speech in 1996, what happened. So I was not responsible. I was there hardly for 10 months. The oil pool account, 17,000 crores were to be paid to the oil companies. So I am not responsible. 10 months I was there, and foreign debt was $94 billion. What we have done, I know that. We have reduced the MAT. I don't want to narrate all those things as what the steps I have taken to the farmers to improve the situation of the farmers. See, I can only quote one instance. What is the growth of the agriculture sector? It is not me. The economic survey report has spelled out subsequent years. The overall growth of the agriculture production likely to somewhat subdued in 1997-98. When viewed against the high growth of 9.3% in 96-97. Just 11 months or 10 months, 20 days I was there. So this is the progress. Please, how much time what I want to... Devagodaji, how much time you require? Please, sir, I request in the morning, went to the Speaker's chamber, I will never speak. Okay. Please, sir, I have personally met you about how the farmers are going to be harassed, so-called NPA. Sir, I have discussed personally with you. Just, I would like to, what is called the so-called NPA? Please, sir. This is ERCIL, focus on loan recovery from retail borrowers. What is it, sir? There, sir. What is NPA? It means once the borrower has failed to make interest or principal payment for 90 days, the loan is considered to be a non-performing asset. Okay. 60 days, Prime Minister has given the relief for the farmers. 600 crores. Sir, today what the condition of the farmers? The farmers are committing suicide. I don't want to mention all the figures. What has happened in Maharashtra? Your own government is there. Not the question of the ex-government or the wire government. What is the condition of the farmers? Sir, 3 years is such a severe drought. Let Anand Kumar says there is no drought in Karnataka. How is the condition of the farmers? Sir, drinking water is a major problem in Karnataka. Sir, today I have written two letters. One is about the tobacco growing farmers. Another is about the coconut growing farmers.
I think you have issued the letter. I approached the Prime Minister and one of my Congress friends of Tumkur MP is also there. I only said, at least this was prepared, this memorandum was prepared by the former Vice Chancellor of Agricultural University. Sir, the support price for the nuts to be rupees 4,000 per quintal and 14,000 per quintal of crops. You have said in this so-called the Fasal Bima Yojana, under the Fasal Bima Yojana, the crops, kharif crops, in coconut, pepper, and banana. The ragi, maize, and green gram. In Karnataka, what has been allowed is only these are the items. In rabi crops, the farmers crop Bengal gram, ragi, maize. The claim settlement of kharif is yet to be announced. Now I have got the latest report. Now still the subsidy component per hectare, you have decided. Per hectare it is going to be announced. I don't know what is the quantum of relief you are going to give. So far as the crop compensation, you have given certain relief. That I also prepared to read out. See, crop compensation below 2.8, fixed as 68 per quinta, and same is also yet to be disturbed. 68 rupees per quinta, that is what the crop compensation you have provided. Sir, Fasal Bima Yojana, still for 6 crops, the quantum of the relief what you are going to give is to be announced. Sir, I only requested on this tobacco growing farmers, that is one of the best quality of tobacco that is going to grow in Karnataka, and coconut farmers, these are the two things I have written to the Honorable Prime Minister, I have personally represented. I don't know, sir, when the relief is going to be given. So for the recovery of these loans from the farmers, the question of NPA about the major so-called the corporate houses, more than 6 lakh crores. But whereas here, a farmer who has taken certain loan from the scheduled banks, sir, he is going to be, entire property is going to be auctioned, and some of the farmers are going to commit suicide. Some circular also issued, the Prime Minister, what he has given the direction. The Reserve Bank circular is still to be reached the district cooperative banks. I don't know how the delay is going to be overcome by some of the modifications, the orders the frequently issued by the Reserve Bank or by the Finance Ministry. Sir, the one other issue which I would like to bring to your kind notice, the shareholders, so-called ARCL Premier ARC shareholders. Sir, State Bank of India, 19.95, IDBI Bank, 19.98, ICICI Bank, 13.3. Almost all the banks are invested the share in this restructuring of the so-called restructuring corporation, which has been established in Bombay. Sir, they are going to charge 24% after the so-called the assets are going to be handed over to this bank by the scheduled banks. 24%, it is worse than a Marwadi. Please, sorry if I use the word Marwadi. If anybody is there, I must be pardoned. I am expressing my regrets. If I hurt anybody, worse. Is this the type of institution we have created? No. In Kannada, it is a different
Meaning, please pardon me. It's not a good trade. He has taken his word back. So please, he has taken his word. What is the meaning of that? 24%. Horrible. And this is a government created institution. I don't know in Hindi or Urdu or Sanskrit. I am only a Kannada speaking person and to some extent some English. It is worst. For this, the so-called scheduled banks have invested their shares. On one side, you are going to give relief. On the other side, you are going to seek their blood. On Fasal Bima Yojana, yes, I welcome it. But at the same time, the number of crops you have fixed for Karnataka is only 6. Both Kharif and the Rabi, in some other states, maybe 26 crops, 28 crops. What is the sin we have committed? I don't know. This is how we have been discriminated. Sir, one more issue, sir. This. One provision you have made. Reason to believe to conduct search, etc., not to be disclosed. Not to be disclosed. Shall not be disclosed to any person, to any authority, or the appellate tribunal. Then what is the consequence? Again, you are introducing Inspector Raj. No, that's my humble opinion. If you want to give a satisfactory explanation in this house, yes, it is for the house to consider on this issue. Sir, we have taken steps. The Inspector Raj has to totally abolished. Now it's a new system. Again, about 2 days back or 3 days back in the Supreme Court, double standard of the CBI, the comments by the court, not by me. The CBI or the Enforcement Directorate, if it is going to be used on the political consideration, then I am sorry, sir. We can't support this type of attitude by any government. If I have done in 10 months or 10 and a half months as Prime Minister, I am prepared to apologize. I have not done any such things at all. So if the Supreme Court starts making some comment on that, double standard of the CBI, then who is responsible for that? You have to take certain precautionary steps on these institutions, whoever may be in the office. On the issue of recreating the jobs, please, what are the promise you have made in all the three budgets? To what extent you have created the job, or if you have failed, where, how, whether it is due to demonetization or the steps you have taken, even Madhura Bank. Only one thing I appreciate about the support you are going to give the dairy industry. Sumari 8,000 crores you have provided, and that is the only area when the farmers are going to suffer with utter drought or severe drought. At that time, the additional income you can generate is only through the dairy, the business. That is the only one thing we have to remember. See, Kurian, late Kurian, who is the father of the milk movement, is the only person who have given such a biggest support to the farming community. In some of the northern states, dairy development has still not taken place, only in Gujarat and Karnataka and some part of Maharashtra. Sir, some of the areas in northern states that still to be further strengthened. For that, you have provided 8,000 crores. So
I don't want to cross the limits what the time has been allotted by the Honorable Speaker. Normally, I will not be given an opportunity. Today, I request the Speaker, because there are only two members, I know the time constraint. I will be called as the 15th person. Only the front bench one seat has been given by UPA government or the NDA government. I am not so much enamored of sitting in the front bench. I can sit anywhere in the house. Only thing is, sir, please take some steps to save the farming community, Swaminathan community or Rangarajan community, what the percentage of poverty is there, 35% of the what they have quoted, all these things. I've got the materials, but I don't want to exceed my time limits. With these words, I would like to express my sincere thanks to the chairman and to the speaker. Through you, sir, thank you very much.